C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। सालों से ये कलश के सहारे अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कियो है, कल आप मारा व्रत पूरा करोगे राणा साहब। तने नुकसान न पहुंचाने की मारी मजबूरी तारी किस्मत न बदल सकती है। जो काम मैं न कर सकी वो कोई और करेगा। सालों से ये कलश के सहारे अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कियो, कल आप मारा व्रत पूरा करोगे राणा साहब। सौतन मारे राणा सा के साथ ना जा सके, वने राणा सा ने रोकना होगा। रे बाबियो, आज ये लाल लहू नहीं, सौतन का सिंदूर सजेगा मारी मांग में। थोड़ा सा सिंदूर मन्ने पे दे दीजिए ना। आज अगर सौतन का सिंदूर मारी मांग में आ जावेगा, मारा पहला रिश्ता राणा सा से जुट जावेगा, मारी पहली याद उनके चेहरे में जागो। मारा ये रूप राणा सा देखे तो सौतन ने भूली जावेंगे। इस पोटली में के लिए जा रही है। वो नई लड़की वो ही चुड़ैल है, मोहिनी। सिया बंद करो ये तमाशा, व्रत खत्म हो चुका है, तुम्हें मेरे हाथ से पानी पीना है। एक बार आप मारा व्रत खोल दो, कुछ कदम मैं आपके पास आ जाऊंगी और वह सौतन कुछ कदम दूर चली जाएगी। आखिर ये खून की बूंद है किसकी और वह चुड़ैल इस खून का इस्तेमाल किस लिए कर रही है, ये जानने का ये आखिरी रास्ता है। अब आएगा मजा बुढ़िया, अब होगा चंगा आगाज। एक तरफ तू, एक तरफ मैं और बीच में मारी मोहब्बत। हमें खून की रक्षा करनी होगी। वह चुड़ैल इसे लेने के लिए वापस जरूर आएगी। मन्ने को खून का कतरा वापस लाना है। थारे पर तो मन्ने शुरू से ही शक था, तू जो दिखे है वह है ना। पहले ही दिन से थारी आंखों में धोखेबाजी देखती आई हूँ मैं। बोल के करने आए थे अठे। थारी नाक के नीचे से ले जाऊंगी छुरा के अपने राणा सा को, रोक सके है तो रोक ले डोकरी। मैं कुछ भी करूं तन्ने के। एक्सक्यूज मी, आपका नहीं, ये हमारा घर है और आप हमारे इस ब्यूटीफुल महल में ये काला जादू कर रही है। किसकी जान के पीछे हैं आप? जान तो मारी मुसीबत में है, मारे राणा सा का रक्त मारी आंखों के सामने तो है पर मारे पास नहीं। ये डोकरी ने इन खून की बूंदों को मंगल कवच के बीच बांध रखा है। कैसे भेड़ू इस कवच को? Oh my God! No way! आप मेरे बेबी बॉय राम के पीछे पड़ी है। मालिका, नहीं रानी माँ, मैं चुप नहीं रहूंगी क्योंकि बात मेरे बेबी बॉय राम की है। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं ये चीखती जा रही है कि राम पर खतरा है, राम पर खतरा है। खतरा? एक्चुअली ये चाहती है
कि हम सबका ध्यान उस खतरे पर जाए ताकि ये हमारी पीठ पीछे। टूट गया मंगल कवच, यही मौका है मोहिनी राणा सा के रक्त की बूंद वापस पाने का। हिम्मत कैसे हुई तेरी, उन पे उंगली उठाई। माँ है वो मेरी। जबान पे कंट्रोल नहीं है विवियन, तो कम से कम उम्र का लिहाज तो रख लेते। इस घर पर सबसे ज्यादा हक दाई माँ का है, वो इस घर में जहां जब जो चाहे कर सकती है। हमें उन पे पूरा विश्वास है और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनके ऊपर लांछन लगाए। आखिरी बार बता रहे हैं आपको, अपनी हद में रहिए। मैंने इतना अच्छा खाना अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। उनकी पहली इंद्री, उनका स्वाद कब्जा कर लिया मैंने। जिसने खाना बनाया है उसके हाथ चूम लो। जिसने भी ये खाना बनाया है अपना हाथ आगे लाए। आज का खाना मारे हाथों से बना है। एक खास वजह से लाई हूँ मैं तुम्हें यहाँ। क्या वजह है वेदिका जी? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी पिछली सारी यादें दिमाग के एक कोने में बसी हैं, बस बाहर आने की देर है शायद। हर एक दिन, हर एक पल, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती, मैं कोशिश करती रहूँगी। आप शरिया बोर्ड से और कबीर से जकात के नाम पर क्या करवाना चाहते हैं? हमें पता है, हम अपने शौहर को शैतान की जकड़ से आजाद करके रहेंगे। एक बीवी का वादा है आपसे। तो फिर सुनो एक शैतान का वादा, कि हम कबीर को कभी भी अपने गिरफ्त से आजाद नहीं होने देंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि एक बाप के अपने बेटे पे पकड़ बेहतर है या एक बीवी के अपने शौहर पे। मुझे एक भी मिनट लेट नहीं होना। ऋत्विक, एक एक वर्ड जो अपने मुंह से निकालेगा ना, मुझे सारा कुछ सुनना है। चल। मैंने प्रिंसिपल मैम को जाकर सारा सच बता दिया कि कियारा को किसी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के लिए नहीं जाना। आपने जो कुछ भी कहा सब झूठ। तुम डर रही हो ना? कि अगर फॉर्म मेरे हाथ में आ गया तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि कियारा मेरी बेटी। बात डर की नहीं है, बात तो चैलेंज की है ना। आपने मुझे चैलेंज किया ना, तो अगर आप जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी नहीं हारने के लिए कुछ भी करूंगी। तुझसे है राब्ता में इस शनिवार। देखिए जीप हुई तो क्या हुआ? अरे अपने पास भी तो अपनी गाड़ी है ना। कल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में देखिए कि हुई गुड्डन के मायके और ससुराल में सबसे बड़ी कहा सुनी। गुड्डन इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है, ले जाइए उसको। झगड़े को करने ठीक गुड्डन ने सोची तरकीब। मैरी क्रिसमस। ये तरकीब होगी कामयाब या गुड्डन को हमेशा के लिए छोड़ना होगा ससुराल। फारो के साथ मेरी और अस्मिता के साथ रिदोई की शादी अगले हफ्ते होगी। क्या पुचकी का फर्ज की खातिर लिया हुआ गुनहगार निवेदिता को सजा देने का फैसला हमेशा के लिए तोड़ देगा उसकी और शांतनु की दोस्ती? देखिए शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर।